दुबई के एक शेख हैं जो कि योगी स्वामी जी के सामने आते हुए आने से पहले स्टेज में आकर कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं। गाइस नारा वो लगाते हैं तो ये पाकिस्तानी पब्लिक को ये वीडियो दिखाऊंगा, मैं पूछूंगा उनसे क्या ये नारा लगाना बात देता है, क्या इसने जो ये नारा लगाया ये अच्छा लगा या बुरा लगा। जय श्री राम। मुरारी बापू, आई एम नॉट एज एलोक्वेंट एज यू आर, बट आई जस्ट वांट टू से अ फ्यू वर्ड्स। थैंक यू फॉर ऑनरिंग अस विद योर प्रेजेंस। The UAE is truly a land of tolerance and love and compassion. जी हाँ दोस्तों, निशा प्यार का आपका स्वागत है। तो UAE के शेख ने जब मोरारजी बापू का जय श्री राम बोल के अभिवादन किया और अपने भाषण की शुरुआत की और हिंदू धर्म के बारे में कुछ अच्छी बातें कही, तो उन पाकिस्तानी लोगों की जो है वो झल्ला गई और उन्हें मिर्ची लगी और वो UAE के शेखों को भरा भुला कहने लगे। तो उनकी ऐसी रिएक्शन आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं, जय श्री राम। कहते हैं उधर जो है जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बेसिकली वो मुसलमानों को अपनी उसमें सलाम कहना चाहिए, वो जय श्री राम कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। जो है शेख साहब को ये गलत कहा, उन्होंने नहीं कहना चाहिए था जो है मुसलमानों का, ये नहीं कहना चाहिए। जारी बात है, उनका जब कलमा पड़ा हुआ तो उसको जो क्या कहते हैं उसकी इज्जत भी रखनी चाहिए, लाज भी रखनी चाहिए बंदे को। जो जो है ये शेख किस तरफ जा रहे हैं, जहाँ से इस्लाम आया तो वहीं पर ये सब कुछ हो रहा, तो हम क्या करेंगे एज अ मुस्लिम? ऐसे ही है, क्या कहते हैं जब शेखों का ये हालत है तो फिर बाकी जो कौम है वो फिर किस तरफ जाइए। हालांकि सऊदीया के जो शेख है वो माना जाता है, उनसे ही जो इस्लाम का सारा हुआ था सीन। जब वो ये हरकतें करेंगे तो बाकी जो मुसलमान आम है वो क्या फिर करेंगे? आपको पता दुबई के अंदर एक मंदिर भी बन चुका है जहाँ पर 13 टेम्पल्स रखे गए हैं हिंदू देवी देवताओं के, वहाँ पर हिंदुओं के लिए खुली आज़ादी है कि वो वहाँ पर जाकर पूजा पाठ भी कर सकते हैं। क्या समझते हैं हम, ये सही है या गलत है? गलत है, होना नहीं चाहिए। ये दुबई एक टूरिज्म हब है, तो टूरिज्म हब में जो लोग मतलब कि वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा, तकरीबन 60% हिंदुओं की इन्वेस्टमेंट है दुबई के अंदर, तो वहाँ पर अक्सरियत को देखते हुए उन्होंने मंदिर बनाया, तो मंदिर बनाना कोई गलत बात है या सही बात है? गलत है, क्योंकि जैसे आप देखें ना इंडिया में भी मस्जिदें हैं, क्या कहते हैं आपको पता है इंडियन में भी जहाँ है उधर भी 60-70% जो मुसलमान ही रहता है। अब पता है ईद भी बनती है वहाँ पर जो क्या कहते हैं, और दिवाली वगैरह भी बनती है, मगर ये कि इन लोगों को तो नहीं बनाना चाहिए, क्या कहते हैं उनके लिए जो बना रहे हैं मंदिर मुंदर, तो फिर उनमें इनमें फ़र्क क्या आ जाएगा? इनको बनाने नहीं देना चाहिए, इनको खुद नहीं बनाना चाहिए या बनाने नहीं देना चाहिए? इनको बनाने भी देना नहीं चाहिए और खुद भी नहीं बनाना चाहिए, तो फिर नाम के मुसलमान हुए ना फिर, अगर उनके आप मंदिर के भगवानों को ला के इधर पूजा करवाएंगे तो फिर बाकी रहा क्या गया? सर इस्लाम तो कहता है कि आपके हाथ से, आपके शर्त से, आपकी ज़ुबान से आपका पड़ोसी महफूज रहना चाहिए, तो सर अगर हम किसी को उसके मजहब की खुली आज़ादी देंगे तो आपको नहीं लगता कि इस्लाम ने तो कहा ही नहीं है किसी को मजहब को मतलब किसी पर जोर ज़बरदस्ती करो उनको मस्जिद पर, तो कहीं नहीं है? नहीं वो तो नहीं है, मगर फिर भी आप एज अ मुस्लिम जो क्या कहते हैं अगर आप यहाँ पर कहें जी रेसकोट में भी एक मंदिर बना दिया जाए हिंदू आए आगे बैल बजाने शुरू हो जाए, तो फिर ये तो बात तो नहीं है, मतलब कि मंदिर ही बनने देना चाहिए? जारी बात नहीं बनने चाहिए, वो वैसे ही बेवकूफ़ों की अकल पे पड़ता है, उनको पता नहीं, वो कहते हैं जी हमारे 7 जन्म होंगे अलग अलग की तरफ से एक है उसके बाद दोबारा नहीं जिंदगी मिलनी। बिल्कुल सही, अगर देखते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर फिर वो हिंदुओं की बस्ती है वहाँ पर हिंदू ज़्यादा रहते हैं, फिर मस्जिद को भी नहीं बनाने देने चाहिए? नहीं वो तो मुस्लिम तो देखे ना पूरी कंट्री में, आज़ाद कंट्री में है इस तरह, हर मजहब के हर उसमें होते हैं कंट्री में, जो अमेरिका में भी है हर जगह होते हैं जो है हिंदू वगैरह और मुस्लिम जो है और ये गोरे जो है और क्रिश्चियन जो है। इंडिया के अंदर हिंदुओं ने मंदिर भी जो मस्जिदें हैं वो भी तो बना रहे हैं, फिर उनको भी तो नहीं ना बनाने देना चाहिए, उनका भी मजहब खतरे में जाता है। इंडिया में क्या सॉरी कह रहे हैं आप? इंडिया के अंदर न्यू मस्जिद जो बनी है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया में जो मस्जिद बनी उसके बारे में कह रहे हैं, इन्होंने देखे ना वो हमारी जो मस्जिद थी वो क्या नाम था उसका, जो बड़ी मशहूर थी जिसपे इन्होंने हमला भी किया था हिंदुओं ने जो क्या कहते हैं जब कोरोना के टाइम पे जो क्या कहते हैं उन्होंने किया था ना उसको डैमेज वगैरह भी किया था, क्या था लाल मस्जिद नाम था क्या था, आई थिंक सो मुझे याद नहीं, उन्होंने हमला किया था तो इन्होंने कहा था जाने तुम्हें यहाँ से बंद करो, और जब कोरोना आया तो लोगों ने खुद जो है हिंदुओं ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था, आपको पता? सही सर, 20 में जब कितने ज़्यादा इनके मरे हैं आपको पता? सर देखें कि वहाँ पर अगर मुसलमानों के साथ और मस्जिदों के साथ ऐसा होता है तो हमारा दिल कितना दुखता है, यहाँ पर भी हमने इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनना तो हमने नहीं बनने दिया, तो इसको कैसे देखते हैं? वो अच्छी बात, उन्होंने नहीं बनने दिया, क्या कहते हैं जो तो फिर वो जो हिंदू भी यही कहते हैं कि अच्छा किया कि हमने कि जो कि इंडिया के अंदर जो मस्जिद थी वो बनने नहीं दी। नहीं मस्जिद तो बनी भी शहीद, हाँ वो जो आपको पता जिसमें बड़े धंधे फसाद भी हुए थे और आपको पता वो शहीद करने की थी गुंबद जाके गिराने की थी उन लोगों ने जो है, उसके बाद फिर काफ़ी मुस्लिम्स ने वो आगे जो थी कम्युनिटी जो है उन्होंने उसको किया था, उसके लिहाज से जो है वो उठाया था उसका जो पर जो है काफ़ी चीज़ जो है। सर हमें पीस नहीं फैलाना चाहिए, हम आपको नहीं लगता कि हमें अब ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कि मतलब कि मुसलमान है तो सबसे अच्छा? सर हम अगर आप सबसे अच्छे तो दिल में कहेंगे मैं सबसे अच्छा हूँ, अगर किसी को बुरा कहेंगे तो आपको नहीं लगता कि उसके दिल में भी आपके लिए किसी भी उंगली उठाओगे तो आप पे भी उठाएगा, सारी बात है हम भी तो उंगली उठा रहे ना, ऐसे ही है फिर वो अगर आप उनको नहीं उठाओगे तो वो आप पे नहीं उठाएंगे, ऐसे किसी को बुरा कहेंगे तो वो हमें अच्छा कहेगा, सारी बात है नहीं कहेगा, तो हम यहाँ पर किसी के बदतमीजी करोगे वो भी आगे से आपके साथ बदतमीजी से ही जवाब देगा, अगर आप प्यार से जो आप लोगों से प्यार से देगा। बिल्कुल सही, अगर हम यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मंदिर बनने से हमारे इस्लाम को खतरा होता? नहीं बात है ना सबकी जो अपनी जहनीत की बात होती है, क्या कहते हैं ठीक है ना, अब कुछ लोग जो क्या कहते हैं जो मुफ्ती हैं आगे हमारे जो बड़े बड़े जो हैं वो कहते हैं उलमा जो नहीं होना चाहिए चीज़ जो यहाँ पर, तो कहते नहीं है सर ये तो हमारी मेंटालिटी है, मुफ्ती तो आपने मुफ्ती अजहर मसूद को सुना होगा और मुफ्ती बहुत सारे ऐसे मुफ्ती हैं कि जो कि मंदिर के अंदर भी जाते हैं, वहाँ विजिट करने भी जाते हैं, देखने जाते हैं कि अंदर क्या हालात चल रहे हैं, मैं आपको वीडियोज़ दिखा सकता हूँ मेरे पास प्रूफ, देखी नहीं मैंने देखी नहीं इसका मुझे मंदिर में जाना गुना
देखे ना आप जितना नियत, एक नियत होती है ना इंसान की, वर्शिप करने जाता है, एक देखने जाता है कि क्या हो रहा है गुरुद्वारा, तो मुसलमान जाते हैं कि जो इधर लालका में जो आगे कहते हैं वाघा बॉर्डर के पास जो है, कहीं भी जा सकते हैं सर। सही है, मुसलमान जाते तो हिंदू भी हैं, देखिए वो भी अगर आपसे कोई आए हो तो यहाँ पर बात करने जाते हैं ना, हम कहीं भी जा सकते हैं। जारी बात, हम तो कभी जा सकते हैं, मगर हमारा अकीदा होना चाहिए अपने अमान के ऊपर, तो फिर आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं, हम किसी को बुरा नहीं ना कह सकते। ऐसे ही है, लंबा नहीं हो गया इंटरव्यू तो हम क्यों कह रहे हैं, नहीं कहना नहीं चाहिए, बस ठीक है, काफी हो गया, आपने थोड़ा सा कहा था।